अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। आप देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल इसी तरीके की बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति जायका अपने घर के में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन। यहाँ पर मैंने एक पैकेट चाउमीन ली है जिसमें कि 250 ग्राम चाउमीन आ गई थी, और हमको यहाँ पर चाउमीन पतली वाली लेनी है। अगर आप मोटी लेंगे तो उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो पतली आप जब भी बनाएं तो पतली चाउमीन लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम ऑन करते हैं हम लोग, और कढ़ाई भी रख दी है। पहले इसमें पानी डालेंगे, इसके बाद इसमें हम चाउमीन या फिर नूडल ऐड करेंगे। पानी अगर कम लग रहा हो तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पानी हमको उतना ही लगाना है जितनी चाउमीन या फिर जो नूडल है ये अच्छे से भीग जाएं। तो इसको हम 5 से 8 मिनट तक उबालेंगे। वैसे तो 5 से 8 से कम भी लग सकते हैं इसको, तो इसको बॉईल करने हम रख देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं नूडल्स को। ये देखिए, एक अच्छे से कुक हो गया है। फ्लेम को हम लोग बंद करते हैं और चाउमीन को पानी से अलग कर लेते हैं। तो हमने जो चाउमीन थी ये निकाल ली है, इसको हमको फटाफट से इसके ऊपर ठंडा पानी इस तरीके से डालना है ताकि जो हमारी चाउमीन है वो ओवर कुक ना हो जाए, और जो हल्का हल्का चिपचिपापन होता है वो निकल जाए। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। पहले एक करेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ताकि जो हमारे चाउमीन में चिपचिपापन है वो निकल जाए। 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है, अब ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। या आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, और अब देख लेते हैं हमको चाउमीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए या फिर वेजिटेबल्स चाहिए। तो आइए, यहाँ पर है थोड़ी सी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च स्लाइसिस में, प्याज है स्लाइसिस में, थोड़ी सी डार्क सोया सॉस है, यहाँ पर MSG है या फिर अजीनोमोटो जिसे कहते हैं वो है, और यहाँ पर सिरका या फिर विनेगर है। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें गाजर, हरी प्याज की जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है वो भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गैस ऑन करते हैं, ऑयल लगाते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लगाया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले हम पत्ता गोभी। हल्का हल्का फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अब ऐड करेंगे शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है, हल्का सा नमक डाल के। वेजिटेबल्स भी हल्की सी कुक हो गई हैं। अब इसमें डालते हैं नूडल्स या फिर चाउमीन। ये ऐड हो गई हमारी चाउमीन। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं, लेकिन मिक्स करने से पहले हम लोग इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि इस तरह हैं। 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर इस तरीके से आप डालिए पूरे में फैला फैला कर।
आधा छोटा चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच है धनिया पाउडर। आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां मैंने अभी ऐड नहीं करा है क्योंकि हरी मिर्च डाल रखी है मैंने, तो मैं यहां पर काली मिर्च ऐड नहीं कर रही हूं। अब इसमें ऐड करेंगे हम डार्क सोया सॉस, विनेगर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से लोगों को मिक्स करना है। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने पहले भी वेजिटेबल्स में ऐड करा है, तो आप केयरफुली डालिए। और लास्ट में जाएगा ये अजीनो मोटो या फिर एमएसजी। अब इसको हम लास्ट बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाउमीन रेडी है, तो आइए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तैयार है, यहाँ पर सर्व प्लेट में मैंने कर ली है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।